और ये मैंने इस पे हेज लिखा है बेटा बेटा कैसा लग रहा है आपको आपका केक? अच्छा लग रहा है। ये क्या है? दूसरा केक काटोगे? ये फोन वाला केक लिया। अच्छा, तो टाइम है रात के 10:30 बज रहे हैं और दूसरा केक हेजल का लेट आया था तो उसकी वजह से हम लेट काट रहे हैं, क्योंकि जब क्लिनिक पे चले गए थे तो घर के सारे मेंबर बाहर थे, तो जिन जो दिन मैं केक कट किया था वो सारा बस मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ था कि भाई जो आए हुए थे, तो इसलिए ये उस टाइम पहुँचा नहीं था केक, नहीं तो फिर फैमिली भी इकट्ठी हो जाती उस टाइम, तो फिर घर के बोले कोई बात नहीं दूसरा हम साथ में काट लेंगे और ये आप लोग काट लो, तो मगर ठीक है। तो ये भाई इसकी मम्मी माँ आ गई थी हेजल की, ये हेजल का भाई है और ये हेजल का ताऊ जी हैं, तो ये सारे ही इकट्ठे हो गए करीब काटेंगे थे केक दूसरा, बने रहना वीडियो में। और ये हेजल की चॉकलेट है चॉकलेट तो 2-3 थी इसके पास, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट इसलिए। और यह मोमबत्ती है, यह मोमबत्ती जली ना थी, इसने हाथ और जला दिया, जुड़ गया ना फिर इसमें क्या दिक्कत थी, तो एकदम तनु जलान लग गया ना, तो वजह ने लगाई तो हाथ पर लग गया, तो जिसकी वजह से हाथ और जल गया, वह कोई बात ना। तू नहीं बचाओ थी ना जल ना जड़े ना जड़े इसको पढ़ा के थी सीखने इस बोलता ना बोलता है दूसरी बोलता चला ये बोलता चला है वो बोलता तेरे क्या है। राम राम बेसारिया, मैं उम्मीद करूँ कि सारी बात ठीक ठाक होंगी। और भाई कल व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कल संडे था और संडे ना इतना काम हो जाए, मतलब काम ही बपड़ा है कपड़े धोए दाए प्रेस करनी और मतलब बच्चे संभालने पूरा दिन फुल डे बिजी, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी हो जाती तो व्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं मिलता उस दिन तो मेरे को। और कुछ हो गया भाई सुट्टा का काम तो गेला गेल कदे न्यून कदे न्यून और रेल बनी रहे, तो भाई सब तय पहला तय हाथ जोड़ कर कती भाई सबका बहुत बहुत बड़े वाला मतलब बिग वाला धन्यवाद कि भाई जिसने भी मेरी बेटी को विश किया कि भाई बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इतने लोगों ने विश किया बहुत ही ज़्यादा, व्हाट्सएप पे भी उस पर इंस्टा पे भी जो करते थे विशेज के ढेर लग रहे थे सच बताऊँ तो। और भाई बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो मेरे घर तक आए, सच में बहुत मज़ा आया सारे फ्रेंड्स के साथ। और भाई गिफ्ट अभी मैं बेटी के साथ दिखाऊंगी उन सब के कि कौन कौन क्या क्या लेके आया था, लेकिन आज गिफ्ट मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को क्या गिफ्ट दिया। सच में मतलब ये हमारे लिए है ना ये डे बहुत ही स्पेशल होता है कि जिस दिन हम माँ बने थे, कोई भी लेडीज़ है भाई इस चीज़ में तो जिस दिन क्या करें ना एक माँ बनना कोई आसान बात नहीं है कि लेडीज़ का दूसरा जन्म हुआ है, तो वो दिन है ना वो कदे भी नहीं भूल सकती, सब कुछ भूल जाएगी कुछ भी होया वो लाइफ में, कुछ बुरा है कुछ अच्छा कुछ भी होया, लेकिन जब एक बच्चे ने जन्म दे ना वो मोमेंट वो जो टाइम हो ना शायद ही ऐसी कोई लेडीज होगी जो भूल जाएगी, कभी नहीं भूला जा सकता वो दिन, वो मोमेंट ही स्पेशल होता बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और सच में मतलब मेरे को तो एक एक चीज़ ऐसे कि ऐसे याद है कि भाई उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और सच में मतलब भगवान का है ना सबसे बड़ा गिफ्ट हुआ बच्चा एक माँ के लिए, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी यार भाई हर लेडीज समझदार है इस चीज़ में सब समझा है, क्योंकि एक जो औरत माँ बनती ना वही इस फीलिंग्स को समझ सकती है सच बताऊँ तो। तो भाई ये मैं तुमने दिखा दूँ मैंने हेजल के लिए क्या गिफ्ट बनवाया क्या लेके आई थी मैं उसके लिए गिफ्ट, तो मैं तुमने दिखा दूँ तो
मैं उसके लिए लेके आई थी ये वाली पायल, जबकि उसने पहनी भी नहीं, मेरे को भी याद नहीं रहा पहनाना। वह पहले पता नहीं क्यों, मतलब दुखी सी हो जा अगर वह अपने आप पे, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं करना, ऐसे बहुत ही मतलब सेंसिटिव है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और ये वाली, ये दोनों पायल है इसकी, और क्योंकि जो मेरी एक जोड़ी तो मेरी पहन लेकर आई थी उसकी पायल जब हुआ हुई, और एक जोड़ी मेरी मम्मी ने दी थी। ये देखो डिजाइन बहुत प्यारा लगे मैंने इनका, और जो मम्मी ने दी थी वो हेजल का अब आती नहीं, और जो बहन ने दी थी ना वो रेया को भी नहीं आती, वो छोटी होगी, और मैंने पूरा घर छान मार लिया, वो पायल तो मिली नहीं मुझे, और वो गे रखी मैंने बड़ी संभाल के, कितने दर मैंने इधर रखी वो, तो वो पाऊँगी जब पाऊँगी, देखूँगी कि कब मिलेंगी कब के वो। और एक लेके आई मैं, दिया मैंने उसको गिफ्ट गोल्ड के कोप के, ये मैं अब सोच रही हूँ वो 7 साल की होगी तो उसके मतलब कान भी दबा दूँ और ये डलवा दूँ। ये भाई डायमंड के, डायमंड और गोल्ड, बिल्कुल छोटा सा डायमंड है ये देख सकते हो, ओरिजिनल डायमंड है, कभी मजाक समझो। और ये एक ही पड़ा है मेरे को 5100 का, तो ये 5100 में ये तुम देख सको, ये दो करके। और भाई फिर अब मैं हेजल के लिए कुछ लेके आई हूँ, तो मैं रेया को नहीं छोड़ सकती ऐसे, तो आज बाल मेरे गिल्ले हैं और मैं आजकल थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, अपने बाला का बहुत ज़्यादा जड़ गया है, तो मैं गिल्ला ना बांधती नहीं, थोड़े से सुखा के बन जाऊँ। तो रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि जिनका केक पहुँचा रखा था वो कटोरी देने आ गए थे तो वो कटोरी लेनी ज़रूरी थी, तो आजकल मैं गिल्ले बाल ना बांधती, सूखे सुखा के बन जाऊँ, तो मैं बता दूँ। और ये है वो पायल जो मेरी मम्मी ने दी थी हेजल की पीढ़ी में, ये देखो ये मुझे बड़ी प्यारी लग गया, घड़ी बाजी बजत वह भी है सही, तो अभी ये छोटी नहीं हुई है रेया के, तो फिर मैंने पूरी में घुंगरू, फिर मैंने सोची बाकी ये रेया ये पैर लेगी, तो फिर रेया बोली मेरी पायल, फिर ये पायल मैंने रेया की कर दी, और वो मिली नहीं, वो मिलने के बाद मैं उनने भी चेंज करवा के लाऊँगी, उनने थोड़ी और बड़ी बनवा दूँगी, थोड़ा और बड़ा होने के बाद पहन लेंगे, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 4-5 जोड़ी पड़ी है पायल, तो फिर मैंने सोची कि ये दोनों बच्चों की हो जाएंगी, कहीं भी एक आधी सुतरा लग फंक्शन में बाढ़ पैर है ना बढ़िया लग गए, और बेरा भी पटेरा बाढ़किंग न गया सच बता दूँ तो जरूरी है। और भाई एक चीज़ और, एक वीडियो शाम भी आई थी कि भाई बालक बहुत किडनैप होने लग रहे हैं, प्लीज़ कति है ना अपने बालका का बहुत घना ध्यान रखो, कति घना ध्यान रखो भाई, न्यू नहीं बेरा किस टाइम किस गला के ट्रेजरी हो जावे, तो मतलब कति मतलब न्यू मत सोचो कि 2 मिनट का राह चला जाएगा इकला, ना भाई बिल्कुल भी मत छोड़ो अपने बच्चे ना, आजकल किसी का कोई भरोसा ही नहीं रह रहा। मतलब मेरे शाम एक वीडियो आई, उसमें मतलब एक इंसान ने पैसे देने लग रहा और बच्चा के मुँह पर टेप लगा कर घेर रखे नीचे, भाई सच में रूए खड़े हो जाए ऐसी वीडियो देख कर, बड़ा डर लग गया है। तो भाई अपने प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखो जितना हो सके, ये देखो काम तो 2 मिनट लेट भी हो जाएगा लेकिन बच्चे ज़रूरी है, कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर वाह चीज़ ना तो भीतर मत लकड़ा गिर ना, हम अपने आप ना माफ़ कर पाऊँगे कदे भी, तो इस मारे अपने बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखो। और भाई यह चीज़ स्पेशल दिखाना नहीं चाहती कि मैंने अपनी बेटी तक केक गिफ्ट दिया, लेकिन जी कर गया दिखाने का, क्यों कर गया कि कुछ लोगों का पैसे का घमंड हो रहा है, हम तो रिच हैं, मार दौर से पैसा है, गोल्ड है, फ्लान है, दक्कड़ है, तभी सबके द्वारा सब कुछ है, बात सिर्फ यह है कि हम दिखावा नहीं करते। तुमने एक चीज़ और दिखा दूँ, मैं दिखाना नहीं चाहूँ लेकिन तुझे तुम सबको बता दूँ कि जो मैंने इयररिंग्स डाल रखे ना, ये भी मैंने नए बनवाए उस दिन, ये बनवा के ले, ये वाले भी, ये देखो मैंने पहले कोके पैर रखे थे, ये देख सको तुम, तो मैंने नए बनवाए हैं लेकिन मैंने दिखाए नहीं थे क्योंकि मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं जैसी हूँ सबके सामने हूँ ओरिजिनल, ना मैं दिखावे की बोलिया करूँ, ना मैं दिखावा कराया करूँ, ना मैंने दिखावा पसंद है, जो है वो दिखाती हूँ,
भाई मैं नहीं कहती मैं तो टाटा बिरला हूँ, अंबानी की औलाद हूँ, ना ना, जितना है भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेहनत करनी हमारे हाथ में है। अगर हम मेहनत करेंगे तो के बराकल न के हो जाए, वरना मेहनत करेंगे भाई मैं बेड पर पड़ी रहूँ और मैंने कह हाय मैं तो कति गरीब हूँ मैं के करूँ, तो मैं गरीब हूँ तो मैं अपने कारण गरीब। किसी एक बुक में लिखा कि जो आदमी एक आदमी गरीब पैदा हुआ है तो ठीक है वो गरीबी में पैदा हुआ, लेकिन अगर वो गरीब मरता है ना तो उस आदमी की कमी है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो मेहनत करना अपने हाथ में है, ये नहीं है कि भाई मेरे दो रुपया है, अरे भाई तुम इन्हें तुम्हारा इतना खर्चा करवा दिया और हम इन डोए जाएंगे क्यों भाई, गाड़ी ना तो हम किसी के थ्रू चल रहा हाँ, बतेरी ऑटो चल रहा है, बतेरी रोडवेज चल रहा है, बतेरा कुछ चल रहा, जी करा जी गेला बैठ कर जब जा 44 लाख की आओ है, 45 लाख की, 85 लाख की है रोडवेज, कितनी गाड़ी ले लो, एक ओला है एक मिनट में बुक करो, घर तक लेकर जाएंगे और घर आए छोड़ कर जाएंगे, रुपये का खेल है सारा। अगर किसी का गाड़ी है, किसी का गोल्ड है, धन है, किसी का भी है, कोई किसी ने नहीं देता, अपना आप खुद बरतते हैं। अगर मैं इमने कह दूँ मेरे दौर 20,000 रुपये मैंने शॉपिंग करनी है, मेरी गला चाल दूसरे ने लेकर जाऊँगी, लेकिन उसको दिलवाऊंगी कुछ नहीं, मैं वह 20,000 मैं सिर्फ अपने पे खर्च करके आऊँगी, ना कि उस पे 1,000 भी नहीं करूँगी जो मेरी गला जाएगी, क्यों, क्योंकि मेरे हैं, मैं खर्च करूँगी उनको। तभी दिखावा ना करना आता और ना मैंने पसंद है, अरे दूर रही हो बस थरते इतनी समझाऊँ, दूर रहो मेरे ते बढ़िया रहोगी ना, मैं असलियत आड़ा बोलने पागी ना फिर थारे परचे से खंडे आन देंगे, बस इतना ही बताऊँ। और भाई बड़े रहा मेरी बेटी का बहुत अच्छा, और जो ना आए उनका भी धन्यवाद, और जो आए भाई उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो अपने थे ना वे आ गए थे। और भाई अन्नू की बात, भाई अन्नू ने केक पहुँचा दिया था, क्योंकि ऑर्डर कराया था मैंने, क्योंकि वो केक मैंने रोहतक में बहुत पूछा ना आड़ा महंगा बोला, तो फिर मैंने अन्नू तो पूछी, तो अन्नू बोली कि भाई आड़ हाफ के हो तो कुत्ती हाफ में बन गया। आड़ ट्रिपल रेट बोले उसके, फिर मैं कहा भाई बनवा दो, फिर भाई किसी कारण अन्नू नहीं आ पाई क्योंकि भाई देखो आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में मैं भी नहीं कहती भाई तू ऐसे चल, तो फिर वो बोले कि मैं केक करूँ, मैं कुछ ना करा तू, मैंने सिर्फ उससे यूँ कही थी भाई केक की भी टाड़ मारो क्योंकि केक कट गया है, तुम दुखी मत ना हो, और इन आया तो कटवा ले, अरे उड़े सब ने बांट दे, कोई मैं दिक्कत ना होती भाई मेरे मन में इस चीज़ में, मैं न्यू नहीं मानती कि भाई मेरी बेटी का बर्थडे केक था न्यू कुकर कटवा दिया ना, नहीं कुछ नहीं होता भाई, सेम बेटी उसकी भी है और बेटी मेरी भी सेम है, हमने कोई फ़र्क नहीं अपने बच्चों में। तो फिर क्या होया, फिर भी मतलब उनके मन में नहीं रही ना, स्पेशल बढ़वाया स्पेशल बढ़वा, और है ना प्रदीप स्पेशल गाड़ी करके लेकर आया और वो केक दे कर गए, तभी थारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मेहनत करी मेरे ते ही इतनी दूर तक केक दे कर गए। तो भाई सच में अपना अपना आड़े दिख जा, हालांकि कुछ दिन तक हमारी थोड़ी सी चल रही थी आपस में पैसबाजी सी हो जाकर भाई आपस में कुछ नहीं होता इन चीज़ों पर, लेकिन नुका करे आम ही शामी बैठ कर उस चीज़ ने सोल्व कर लेना, फिर जो तीसरा पर्सन होया करे ना बीच में फंसा उड़ वो जो करे दूध में माखी पड़ जा ना या घी में माखी आ जा तो घी ना फेंकया जा करे, वह माखी फेंकी जा करे, चाहे दूध में पड़ जा ना तो दूध भी नहीं फेंकया जा करे, माखी लगाड़ कर फेंकी जा करे, हाँ अगर वह माखी चाह में पड़ जा ना तो चार माखी दोनों चीज़ छोड़ दी जा करे उड़े, तो तू अपनी औकात जान गई होगी हर तुके है बेरा पट गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई जिंदगी में अली जल्दी चलती रहेंगी। और पर एक्सपीरियंस होया है लाइफ का एक और कि डोंगी और दिखावे बाजों से बहुत दूर रहो, बढ़िया रहोगे अगर कोई तुमने अपने धन का न्यू दिखाओ मेरे दौर तो न्यू है क्योंकि जिसके पास धन होगा ना जिसके पास पैसा होगा वो दिखावा नहीं करेगा, वो कदे न्यू निकलेगा मेरे दौर तो न्यू है मेरे दौर तो न्यू है मेरे दौर तो न्यू है ना, असली इंसानियत इंसान जो होगा ना वो कुद्दे भी नहीं दिखावा करेगा, कुद्दे भी बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो एक बे भी न्यू नहीं कहेगा मेरे दौरते यह चीज़ है, अगर उसने दोस्ती नहीं बाड़ी ना दोस्त गरीब है ना बिल्कुल भाई उसके दौरता किरसन और सुदामा आड़े जोड़े चाहेंगी फिर मैं, क्योंकि किरसन ने कदे सुदामा अगर न्यू दिखावा ना करा था कि मैं इतना रिच हूँ और मेरे दौरते न्यू हर न्यू और मैं भगवान हूँ, उसने कदे दिखावा ना करा था, जब भी वो उस दौर मांगण गया था ना
उसकी बहू के कहता है, उसकी वाइफ के कहता है, उस सुदामा उस दौर चला गया था कृष्ण दौर है, जब भी उसने मांगा नहीं था, वो उसकी भीतर की विडम्बना जो उसके भीतर में चल रहा समझ गया था, और उसने बिना मांगे दे दिया था, उसने शो भी ना उड़ दिया था, भाई मंत्र तो कुछ दिया है वो है करो दोस्ती। लेकिन फिर कहा अगर ना एक कृष्ण का सार भी है कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो भाई इव हमने वो सारा अपना लिया है कि जो हो रहा है वो एक अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो चुका है वो भी अच्छे के लिए होगा। तो भाई बहुत बड़ी वीडियो बढ़ जाएगी, और तब मैंने कहोगे आवे नरी बात बता जावे, तो एक आधी बार जरूरी हो जाए बताना बोलना। और भाई राम राम, धन्यवाद, पूरी वीडियो देख लियो और सब्सक्राइब कर दियो चैनल ने, बिना सब्सक्राइब करे मत चले जाइए, बता दी है, जल्दी तो 7000 करवा दो, थोड़े से बंदे की जरूरत है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मार दो और वीडियो ने जितना उसका शेयर कर दो, जल्दी तो 7000 करवा दो मेरे सब्सक्राइबर, 7 करवा कर फिर 10K का वो धरेंगे, ठीक है, तो डन।